मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ गाजा में जहां इजरायली आतंकी संगठन हमास की कमर तोड़ने में लगा है, तो वहीं ईरान समर्थित कई उग्रवादी संगठन भी इजरायल पर हमलावर हैं। इजरायल हमास जंग अब फिर खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। हिजबुल्ला की ओर से लगातार रॉकेट और मिसाइल हमले जारी हैं। लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाके लगातार इजरायली इलाकों पर धावा बोल रहे हैं। हिजबुल्ला आतंकियों के हमले के बाद से इजरायल दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने को मजबूर हो गया है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला आतंकियों के हमले का जवाब देने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी कि IDF ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहा है। इस बीच लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने दावा किया कि उसने कब्जे वाले फिलिस्तीनी बॉर्डर पर कई इजरायली मिलिट्री साइट्स पर हमला किया है। हिजबुल्ला लड़ाकों ने बीट हिलल बेस और आयरन डोम पर हमलावर ड्रोन से भी हमला किया। हिजबुल्ला ने बताया कि उसके लड़ाकों ने हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल कर इजरायली फोर्स और उसके ठिकानों को निशाना बनाया। IDF ने F-16 लड़ाकू जेट का इस्तेमाल कर इन हमलावर ड्रोनों को रोकने का असफल प्रयास किया। लड़ाकों ने दावा किया कि ये सीधे हमला करने में सक्षम था। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में देखा गया कि हमलावर ड्रोन कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर ब्लू लाइन को पार करते समय टाल मटोल कर रहे इजरायली अवरोधों से बच निकले। अरब न्यूज अल मयादीन ने बताया कि लेबनान के एक हमलावर ड्रोन ने अल जलील पैल हैंडल में बीट हिलल बेस पर आसपास एक सैन्य लक्ष्य पर हमला किया। साथ ही इजरायली युद्धक विमान कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर ब्लू लाइन को पार करने वाले ड्रोन को रोकने में विफल रहे। वहीं इजरायली मीडिया ने बताया कि हिजबुल्ला ड्रोन कब्जे वाले ऊपरी अल जलील में ब्लास्ट हुआ। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में अल मयादीन ने खुलासा किया कि लेबनान से कब्जे वाले लेबनानी शेबा फार्म में इजरायली मिलिट्री साइट्स में से एक की ओर कफर शुब्रा की कब्जे वाली लेबनानी पहाड़ियों की ओर सीधी गोलीबारी की गई थी। इजरायली हमलों की एक सीरीज में पूर्वी इलाकों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्ला लड़ाकों के हमलों की वजह से किरेट शमोना की इजरायली बस्ती में ब्लैकआउट हो गया। इससे पहले हिजबुल्ला ने दावा किया था कि उसने मिसाइलों का इस्तेमाल कर कब्जे वाले लेबनानी शीबा फार्म में सीधा हमला करते हुए इजरायली रुवेसेट अल कर्न साइट को निशाना बनाया था। हिजबुल्ला लड़ाकों ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर कैफर शुबा की कब्जे वाली लेबनानी पहाड़ियों में इजरायली अल समाका साइट को भी निशाना बनाया। हिजबुल्ला ने इजरायली कब्जे वाले स्थानों के खिलाफ कई अन्य ऑपरेशन भी किए। जल अल आलम और रामिया साइट पर जासूसी उपकरण बंकर की लेबंदी और रामिया साइट की चौकियों पर बमबारी की गई। इसमें इजरायली बस्ती मेटुला की एक इमारत में इजरायली सैनिकों का जमावड़ा भी शामिल था। हिजबुल्ला मिलिट्री मीडिया ने कत्यूशा और फलक मिसाइलों का इस्तेमाल कर उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायली बस्ती किरेट शमोना को निशाना बनाने की फुटेज भी जारी की।